कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में, और आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और हम अभी गुजरात में हैं, और आपको मालूम ही है कि गुजरात में गरबा और डांडिया जो है बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, तो आज हम वही गरबा देखने आए हैं। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि गुजरात का जो फेमस डांडिया है वो कैसा है। फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है और यहाँ पर जगह जगह जो है गरबा का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो वैसे ही एक जगह पर हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, और नताशा भी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि लेडीज और जेंट्स की जो एंट्री है यहाँ अलग अलग है। और जो लोगों की भीड़ है दोस्तों, वो जैसे जैसे रात बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, और इस जगह का जो रौनक है वो समय के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। फ्रेंड्स, तो गरबा का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहा है, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से गरबा, जो ट्रेडिशनल गरबा है, जो अभी बच्चों का गरबा हो रहा है, उसका इंजॉयमेंट लीजिए, और धीरे धीरे ये बड़े लोगों में भी तब्दील होगा, क्योंकि जो अभी शुरुआती है यहाँ पे बच्चों के लिए गरबा का आयोजन है, और उसके बाद जो है बड़े लोगों का भी गरबा होगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। Thank you.
फ्रेंड्स, तो अभी जो गरबा का कार्यक्रम है वो तो चल ही रहा है और साथ में आप देख रहे हैं कि ये फूड स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं कि गरबा करते हुए और देखते हुए जो लोग थक जाएंगे वो यहाँ पर आके कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं और इन्जॉयमेंट जो है दोस्तों वो भरपूर यहाँ पे हो रहा है क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और लोगों की जो भीड़ है वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रही है और लोगों का उत्साह भी देखने लायक है। यहाँ पर बच्चों के लिए भी अच्छी सुविधा दी गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अद्विक यहाँ पर पूरी तरह से मस्ती कर रहा है इस जंपिंग वाले गेम में और नताशा यहाँ पर खड़ी है कि अद्विक आराम से खेल ले, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि जो भीड़ है और गरबा है वो रात के 1 बजे तक चलेगा। बट हमने जो गरबा है वो देख लिया है, अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं। आज हमने जो गरबा का कार्यक्रम था जो काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम हुआ दोस्तों वो हमने देखा और आपको भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि जो गुजरात का फेमस ट्रेडिशनल गरबा है वो कैसा खेला जाता है
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बच्चे से लेके बड़ों तक सबके रग रग में गरबा बसा हुआ है। और आपने जो डांस का स्टेप है वो देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ के लोगों के लिए गरबा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उत्साह से लोग मनाते हैं। और हर साल लोग जो गुजरात के लोग हैं इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 10 दिन यहाँ पर गरबा खेला जाता है और लोगों का उत्साह जो है दोस्तों लोग थकते नहीं हैं यहाँ पर गरबा करते हुए। तो चलिए अभी हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और आज का जो ये हमारा गरबा का वीडियो था दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारी जो कार है वो हमने आगे पार्क की है, क्योंकि आज जो गाड़ी लगाने की जगह तक नहीं थी इसीलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ा। तो चलिए नताशा और आदि भी आपको बाय बोल रहे हैं।